नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। झांसी के विकास भवन सभागार में डीएम आंध्रा वामसी की अध्यक्षता में COVID-19 कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि जनपद में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सभी L1 हॉस्पिटल का पूरी क्षमता से संचालन प्रारंभ हो। बैठक में डीएम ने उपस्थित पैरा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति नियमित दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए जल्दी झांसी में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। डीएम ने कहा कि COVID-19 के केसों की बढ़ोतरी हो रही है, अतः इस स्थिति में L1 हॉस्पिटल CHC बरुआ सागर 100 बेड, CHC बड़ा गांव 100 बेड, शेल्टर होम नगर निगम 100 बेड को पुनः संचालित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मेडिकल कॉलेज में उन्हीं मरीजों को भेजा जाए जो अधिक गंभीर हैं। आज जनपद झांसी में विभिन्न दलों की जो महानुभावों को बुला के और विभिन्न सामाजिक संगठनों की महानुभावों को विकास भवन में एक कोविड से संबंधित और कोविड की जागरूकता से संबंधित एक मीटिंग आयोजित करके इस मीटिंग के माध्यम से कुछ चीज़ें हैं अवगत कराया गया था। मुख्य रूप से बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं, जैसे हमारे कंट्रोल रूम की कम्युनिकेशंस है, हमारे कंट्रोल रूम पे मैन पावर की संख्या बढ़ोतरी के संबंध में, और यहाँ पे पेशेंट की रेफरल सिस्टम प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उसके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के संबंध में, और मौखिक रूप से जब आदमी इमरजेंसी में जाते हैं उसकी वेंटिलेटर की व्यवस्था और उसकी जो भी है ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था उसको स्ट्रीमलाइन करने में, उसकी प्रचार प्रसार करने में और कंट्रोल रूम के सब नंबर्स हर आदमी को प्रचार प्रसार करने में, और रेमडेसिविर की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता के संबंध में, और भविष्य में आने वाले संकट को देखते हुए एक ऑक्सीजन प्लांट की सेटअप करने के संबंध में रूबरू की गई है, और सब लोग एक कंठ से यहाँ पे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाने के लिए एक सहमति व्यक्त करा था, जिसके लिए फंड का साधन ढूंढ के उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में विचार भी करना शुरू कर ले रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ की जो टैंकर्स की सप्लाई स्ट्रीमलाइन हो जाए। मुख्य रूप से गवर्नमेंट के लिए तो ठीक ही है, लेकिन प्राइवेट सेटअप के लिए तो एक प्राइवेट सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने की सारी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सर, बेड वगैरह कुछ कम जरूरत आज की तारीख में L2 L3 फैसिलिटी में जो जितने भी हमारे 1200 बेड्स है वो तो फुल चल रहा है 100%। जो डिस्चार्जेस को बढ़ाते हुए इस बेड्स को बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में जो है टारगेट्स को मीट आउट करने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।